वेलकम टू बहावलपुर। और आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ पाकिस्तान के तारीखी, कदीमी और पुराने वक्त में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर में, जिसे नवाबों का शहर भी कहते हैं। उसे नवाबों का शहर क्यों कहते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि लेटर ऑन। सो आज हम करेंगे इस शहर को एक्सप्लोर मिलके। और अगर स्पेसिफिकली मैं बताऊँ तो बेसिकली मैं कराची मोड़ से एंटर हुई हूँ और कह लें कि इसको KLP कहते हैं। स्पेसिफिकली KLP के ऊपर मौजूद है ये शहर। इसकी बल्कि अच्छी चीज़ यही है कि KLP के ऊपर मौजूद है, मतलब कि कराची, लाहौर और पेशावर के लिए, तीनों सिटीज़ के लिए यहाँ से जो सड़क है ना डायरेक्टली वो निकलती है। और इसके करीब जो है दरिया सतलुज भी बहता है, जो कि किसी वक्त में बहुत बड़ा दरिया हुआ करता था, अभी तो इट्स काइंड ऑफ लाइक ड्राई। और इस शहर की जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान के जो चंद शहर जिनकी सड़कें बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत और कुशादा है, उन्हीं शहर में कहने के शामिल होते हैं, क्योंकि इसकी शहर की सड़कें ऐसी कुछ सीन इज़ अ वेरी वाइड। अभी इनफैक्ट जिस रोड पे जो कि ब्रिज के ऊपर है जिससे मैं चल रही हूँ, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एज वेल। और अगर वैसे ही जनरली बात की जाए तो हर शहर दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, एक अंदरून शहर होता है और एक नया शहर होता है। तो इसी तरह से भावलपुर जो है उसका भी, देयर इज बोल्ड सिटी ऑफ लाहौर, उसके मुख्तलिफ गेट हैं, जिस तरह से अहमदपुरी गेट है और मुल्तानी गेट है, दरावड़ी गेट है, शिकारपुरी गेट है। सो इस तरह से इसके मुख्तलिफ गेट्स भी हैं। सो आज हम इस पूरे शहर को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, इसके जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो उसकी रिच आर्किटेक्चरल लेगेसी जो नवाब छोड़ के गए, उसको डेफिनेटली हम आज विजिट करेंगे। और अभी मैंने बहुत ज़्यादा बोल लिया है, व्हाट आई एम गोना डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कुछ खाऊंगी, थोड़ी एनर्जी बहाल करूंगी, फिर आगे चलेंगे। और मैंने सुना है कि इसी रोड पर बेसिकली खैरपुर की दाल बड़ी फेमस है, और वो इतनी फेमस है कि बेसिकली दूर दूर से लोग जो है ना वो यहाँ पे आते हैं इसको खाने के लिए। और जो भी बहावलपुर आता है वो यहाँ की दाल ज़रूर खाता है, बहुत ज़्यादा रश लगा होता है। सो अभी चलते हैं वहाँ पे, पहले खाते हैं दाल और साथ में खाएंगे डेफिनेटली रोटी, देन वी गोना गो आगे और फिर चले करेंगे आगे जो आके बहावलपुर को एक्सप्लोर। लेट्स डू इट। खैरपुरी शॉप पे मौजूद हूँ और मेरे साथ इस शॉप को जो डील कर रहे होते हैं यहाँ के ओनर वो भी मौजूद हैं। इनसे डायरेक्टली चल के पूछती हूँ कि शॉप इतनी फेमस क्यों है। अच्छा पहले तो मुझे बताइएगा कि जब मैं बल्कि इनफैक्ट आ रही थी भावलपुर, तो आई केम टू नो कि सब ने मुझे कहा कि अच्छा इसी शॉप पे आना है, तो वजह क्या है, क्यों इतनी मशहूर है ये शॉप? पहली वजह तो ये है कि 40 साल से हम इस सिस्टम को चला रहे हैं। दैट इज नाइस, मतलब काफी पुरानी शॉप है। अच्छा उसके अलावा ये स्टूडेंट्स के लिए है। नंबर टू इसके जो मालिक हैं, जो मेरे जाती दोस्त भी थे, वो स्पोर्ट्समैन है। अच्छा। तो इसके लिए स्टूडेंट्स के लिए रियायत है, रोटी के लिए कोई चार्ज नहीं किया जाता एज अ पर हेड। दैट इज अमेजिंग। अब मेरी जो ये टीम आई है इनका थैंक यू वेरी मच, और इनको ये दाल खिलाएंगे तो इंशाल्लाह इनको पता चल जाएगा कि दाल कैसी है। Definitely. और फॉरएवर खा के जाना।
बिल्कुल ऐसी है। अभी चल के टेस्ट करते हैं दाल। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की यही लगी कि भाई स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट है, और साथ ही साथ के जो स्पोर्ट्स के लोग हैं ना उनके लिए भी देखिए इधर डिस्काउंट, और रोटियाँ फ्री हैं। ये पहला वो होटल है जहाँ पे आई केम टू नो कि रोटियाँ फ्री हैं। दैट इज़ अमेजिंग। अभी चलते हैं और दाल टेस्ट करते हैं कि कैसी है। जी मेरा तो खाना आ चुका है और मुझे देख के मजीद भूख लगना शुरू हो गई है। शक्ल से तो बहुत मज़े की लग रही है, दाल टेस्ट करके पता चलेगा कैसी है। लेकिन टेस्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताते चलूँ कि ये जो सारे का सारा खाना है ना, दैट इज़ इन 110। और मतलब सिर्फ ये खाना नहीं, इसका मतलब ये है कि आप इसको बार बार भी मंगा सकते हैं। मतलब यू कुड हैव एनीथिंग अगैन, एक बार लें, दो बार लें, 10 बार लें। दिस इज़ एन अमेजिंग थिंग। और अभी मैं टेस्ट करती हूँ, टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा है, फिर पता चलेगा ना कि क्या वजह है कि लोग सारे के सारे यहाँ के खाना खा रहे होते हैं। पहले दाल, दाल के साथ वी विल हैव द रायता एज वेल। दिस इज सो गुड, बहुत मजे की है। अच्छा, नॉर्मली ढाबों का खाना अच्छा होता है, लेकिन इनका जो टेस्ट है ना, दैट इज़ यूनिक एंड डिफरेंट। कोई डिफरेंट सा टेस्ट आ रहा है, मुझे नहीं पता, शायद यही इनकी स्पेशलिटी है। मुझे नहीं पता क्या इस्तेमाल किया हुआ है। आई एम गोना आस्क देम इन फैक्ट कि क्या इस्तेमाल किया हुआ है। इट्स रियली गुड। मुझे लगता है कि बहुत सारे जो लोग यहाँ पे आ रहे होते हैं और इनकी जो वजह शहरत है शायद यही है कि सस्ता खाना और टेस्टी खाना, जो दोनों चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर मिल रही होती हैं। दिस इज़ अमेजिंग। मैं अभी जो है वो तसल्ली से अपना खाना खत्म करूँगी। अचार भी है, और खाने के बाद एनर्जी बहाल करेंगे और फिर लेके चलूंगी आपको बहावलपुर शहर में। बहुत मज़े की थी, बहुत मज़ा आया मुझे तो। और मुझे उनकी सबसे अच्छी चीज़ यही लगी कि एक तो दाल बहुत टेस्टी थी, मतलब खाना उनका बहुत मज़े का था और सस्ता था, विच इज़ रियली रियली गुड, ख़ासतौर पर मुसाफिरों के लिए जिन्होंने बाकी दूसरे शहरों से आना होता है, ट्रैवल करना होता है। दैट इज़ अमेजिंग। और अभी जो है चलते हैं, सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। एंड वन थिंग दैट आई केम टू नो यहाँ आने से पहले, दैट वाज के बेसिकली जो नवाब थे उनका एजुकेशन और नॉलेज की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान था, और उन्होंने लाइब्रेरी भी कोई बनाई थी अपने दौर में। सो मुझे उस लाइब्रेरी का पता चला है कि विच इज़ वेरी वेरी हिस्टोरिकल प्लेस। तो अभी वही चलते हैं, पहले तो लाइब्रेरी एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि कितनी खूबसूरत ये लाइब्रेरी है। लेट्स डू इट। मौजूद हूँ बहावलपुर सेंट्रल लाइब्रेरी में, जिसको सादिक रीडिंग लाइब्रेरी भी कहते हैं। और इसको सादिक रीडिंग लाइब्रेरी इसलिए कहते हैं क्योंकि 1924 में नवाब सादिक ने इसकी बुनियाद रखी थी, एंड इट्स वन ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ एशिया, एंड इट्स सुपर 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 ब्यूटीफुल। बाहर से तो बहुत खूबसूरत है, अभी इसको चल के अंदर से भी देखेंगे। और इसमें जो किताबें हैं, दीज आर ऑलमोस्ट कुछ से कि तकरीबन 1 लाख के करीब यहाँ पे किताबें मौजूद हैं, जिसमें आपको लेटेस्ट एडिशन से मिलेंगे और जितने ओल्डेस्ट एडिशंस हैं आपको यहाँ पे वो भी मिलेंगे। सो अभी अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर भी देखते हैं।
इस वक्त लाइब्रेरी के मेन हॉल में मौजूद हूँ एंड इट्स सुपर 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 प्रिटी, क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर है ना, बेसिकली इसका आर्किटेक्चर इज़ द सेम एग्जैक्ट जो कि जो रॉयल पैलेसेस हैं जिस तरह से वो सारे बनाए गए, उसी कह लें कि तर्ज पे इस बिल्डिंग को जो कि लाइब्रेरी की एक बिल्डिंग है उसको बनाया गया। और अगर स्पेसिफिकली इसके आर्किटेक्चर की बात करूँ, दैट्स एक्चुअली अ हाइब्रिड ऑफ न्यू गॉथल एंड विक्टोरियन स्टाइल, विच इज़ अ इटालियन स्टाइल। और आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो रॉयल फैमिलीज थी और जो यहाँ के भावलपुर के नवाब थे, उनका किस हद तक इंटरेस्ट था इनटू एजुकेशन एंड इनटू नॉलेज, कि उन्होंने ये जो बिल्डिंग बनाई है लाइब्रेरी की, इसका सेम वही तर्ज रखा है जो कि नॉर्मली वो अपने पैलेसेस का रखते हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। और बहुत ही खूबसूरत लग रही है अभी तो, आई फील लाइक कि मैंने जितनी भी इस तरह की आर्किटेक्चर वाली जगह विजिट की हैं, इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस दैट आई हैव विजिटेड सो फार। इसके अलावा भी इसके दो और सेक्शंस भी हैं, दैट वाज वन सेक्शन, बाकी जो दो सेक्शंस हैं वहाँ पर भी आपको लेके चलती हूँ और वो भी दिखाती हूँ। दूसरा सेक्शन जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, दैट इज़ एक्चुअली चिल्ड्रन एंड लेडीज सेक्शन, जो कि ख़ास तौर पे सिर्फ बच्चों और ख़वातीन के लिए है। एंड एज़ यू कुड सी, यहाँ पे बड़ी खूबसूरत खूबसूरत और बेहतरीन सी किताबें बच्चों के लिए पढ़ने के लिए यहाँ पे पड़ी हुई हैं। एंड यू कुड सी एज़ वेल द टेबल्स इन द चेयर्स, क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से वो पड़े हुए। एंड अभी यहाँ पे कोई बच्चे तो मौजूद नहीं है, बिकॉज आई गेस दैट्स द स्कूल टाइम, एंड आई विश वो यहाँ पर होते तो मैं उनसे भी थोड़ा सा इंटरेक्ट करती, बट दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और आप देख भी सकते हैं कि पूरी वॉल्स पे कितनी खूबसूरती से यहाँ पे पेंटिंग्स हुई हैं, ताकि बच्चों को बच्चों के लिए स्पेसिफिक इस जगह को मज़ीद इंटरैक्टिव बनाया जाए। सो अभी चलते हैं, आई एम गोना शो यू द अदर सेक्शन एज़ वेल। इस वक्त मैं लाइब्रेरी के थर्ड सेक्शन पे मौजूद हूँ, जहाँ पे आपको न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स मिलेंगे। इनफैक्ट मेरे दाएं और बाएं जानेब दोनों तरफ देख सकते हैं कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पड़े हुए हैं। और सबसे बेहतरीन बात इस जगह की, ख़ास तौर पर इस लाइब्रेरी की, ये है कि जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, जिस वक्त से वो शुरू हुए थे टिल डेट, उनके जितने भी डेली के अखबार हैं आपको वो यहाँ पे मिलेंगे। और ये एक भी रिसर्च, किसी भी एक रिसर्चर के लिए ना, दैट कुड बी द बेस्ट प्लेस, जहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। और किसी भी और पाकिस्तान की लाइब्रेरी में आपको ये जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं ना, जो कि सारे अपनी हालत में मौजूद हों, वो नहीं मिल रहे होंगे। एंड एन अदर थिंग इज़ दैट जितना भी हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट है बहावलपुर से रिलेवेंट, वो भी आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। सो दैट वॉज एक्चुअली द थर्ड सेक्शन जो कि मैंने आपको का दिखाया। वी गोना गो नेक्स्ट एंड शो यू समथिंग एल्स। लाइब्रेरी तो मैंने आपको दिखा दी अंदर से, जो कि इंतहाई खूबसूरत आर्किटेक्चर में बनी हुई है, और इसके डिफरेंट सेक्शंस जो थे वो भी मैंने आपको दिखा दिए। लाइब्रेरी के बाहर यहाँ पे एक एग्जीबिशन है जो कि इस वक्त डिस्प्ले हुई है। अभी मैं थोड़ी सी ये देखूँगी और उसके बाद वी गोना गो नेक्स्ट टाइम, आई एम गोना टेक यू टू सम अदर प्लेस।
सुपर सुपर अमेजिंग, बहुत खूबसूरत थी। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लाइब्रेरी की ये लगी कि उसका जो आर्किटेक्चर था, नवाबों ने वही आर्किटेक्चर जो अपने उसमें रखा हुआ था, रॉयल पैलेसेस में, अपने घरों में और अपनी जगहों पे वही आर्किटेक्चर उन्होंने एक पब्लिक लाइब्रेरी के लिए रखा। दैट वाज सुपर सुपर अमेजिंग एंड आई वाज सुपर इम्प्रेस्ड एज वेल। और अभी चलते हैं कुछ और चीज़ें देखते हैं। मौसम इज़ क्वाइट गुड, हल्की हल्की हवा चलना शुरू हो गई है, विच आई एम एंजॉइंग एज वेल, क्योंकि मेरे ख्याल से मौसम ना बदलना शुरू हो गया है। समर इज़ कमिंग अप, सो समर की जो होती है वो अपनी एक अलग से फील होती है। एंड वी गोना गो नेक्स्ट समवेयर, देखते हैं कहाँ चलते हैं, आई एम गोना टेक यू समवेयर। और उसके अलावा जनरली अगर वैसे बात करूँ ना, ध्यान से आपने बाइक चेक जो ना चलानी होती है, जब ब्रश होता है, तो अपनी बाइक को स्लो कर लिया करे, डेफिनेटली गाइस डू इट। आई एम जस्ट टेलिंग दिस टू द न्यू पीपल जो नए नए बाइक चलाना सीख रहे होते हैं, बिकॉज अभी से कुछ 4 महीने पहले मैंने भी नई बाइक चलाई थी और अभी मैं थोड़ा सा एक्सपर्ट बनती जा रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ी साथ साथ आपको टिप्स एंड ट्रिप्स ही बताते रहती हूँ कि अच्छा आपने ये करना है। सो हेलमेट का जो इस्तेमाल है वो लाजमी करना है। अब तो भाई चलान भी ज़्यादा हो गया हेलमेट का, पहले थोड़ा कम था अब ज़्यादा हो गया। और ग्लव्स व्लव्स जो हैं वो अपनी एहतियात के लिए लाजमी पहने, इनफैक्ट अगर इफ़ यू फाइंड द नी कैप्स और समथिंग तो वो भी लाजमी पहने। और अभी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं व्हाट वी हैव नेक्स्ट इन बहावलपुर। अभी तक मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, खाना बड़ा मज़े का खाया, फिर उसके बाद लाइब्रेरी भी विज़िट की। और लाइब्रेरी विज़िट करने के बाद तो मुझे ऐसी कोई फील आना शुरू हो गई थी ना नवाबों वाली, आई स्टार्ट फीलिंग दैट एंड आई वेंट टू दैट टाइम, उस इदारे में चली गई जहाँ पे जिस दौर में ये चीज़ें बनाई गई थी। आई रियली फेल्ट दैट। सो अभी लेट्स गो आगे और आगे चल के कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान हैंडीक्राफ्ट शॉप में मौजूद हूँ और इस शॉप की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी हाथ से बनी हुई। इनफैक्ट यू कुड सी द ब्यूटीफुल लैम्प्स, ट्रक देख सकते हैं, ट्रक और ट्रक के ऊपर ट्रक आर्ट, आपको मार्बल की ये चीज़ें मिलेंगी विच आर फ्रॉम पेशावर। और एक और ख़ास बात इस शॉप की ये है कि यहाँ पर आपको पाकिस्तान की जितनी भी जगह है ना, वी टॉक अबाउट चिन्योट, तो आपको यहाँ पे चिन्योट की लकड़ी की जो चीज़ें हैं वो मिलेंगी। इफ़ यू टॉक अबाउट ब्लू पॉटरी, तो आपको इतनी सारी ब्लू पॉटरी की खूबसूरत सी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। इफ़ यू टॉक अबाउट दीज स्पेसिफिक थिंग्स, लैम्प बने हुए हैं और ये लैम्प्स जो है ना, अब ये तो चूँकि प्रिमिटिव हो चुके हैं, अब इनका दौर नहीं रहा, अब तो खैर लाइट्स और पता नहीं कौन सी LED लाइट्स, लेकिन किसी दौर में ये भी इस्तेमाल होती थी जो कि अब यू कुड सी एज अ शोपीस जो है वो इस्तेमाल होती है। इसमें ट्रक आर्ट हुआ, इतना खूबसूरत इसके ऊपर ट्रक आर्ट हुआ हुआ, यहाँ पे आप लकड़ी का काम देख सकते हैं, जस्ट फ्रॉम चिन्योट, ब्यूटीफुल लैम्प्स यू कुड सी एट दिस साइड। इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं गिनवाने लगूंगी ना तो मुझे लगता है हमारा जो पूरा दिन है ना वो यहाँ पे गुजर जाएगा। इधर देखें आप, ब्यूटीफुल टेबल्स आर हियर और बहुत खूबसूरत चीज़ें, रग्स भी पड़े हुए हैं, कुछ द थिंग्स जाय नमाज भी हैं, देयर आर सम स्टफ एज वेल, समथिंग टू हैंग अप, बहुत सारी चीज़ें इस शॉप में मौजूद हैं। और मेरे अंदर की जो टिपिकल लड़की है ना वो जागना शुरू होती हो जाती है ये सारी चीज़ें देख के। हमेशा ऐसे होता है मेरे साथ, जब भी किसी शॉपिंग वाली या हैंडीक्राफ्ट वाली जगह पे जाती हूँ ना, मैं तो बिल्कुल पागल सी हो जाती हूँ, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। और ये स्पेसिफिकली आप लड़कियों की चीज़ें देख लें, यहाँ पर यू कुड सी द ब्यूटीफुल ड्रेसेस और इनके ऊपर जो खूबसूरत कढ़ाई हुई हुई है, यू कुड सी द ब्यूटीफुल चेयर आर हियर एज वेल, खूबसूरत खूबसूरत कुर्सियाँ और इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे पड़ी हुई हैं। आई एम डेफिनेटली गोना शॉप सम ऑफ द थिंग्स, कुछ चीज़ें मैं डेफिनेटली ख़रीद रही होंगी। बस ये हो कि अम्मा से मुझे डांटना पड़े क्योंकि इस बार मैंने इतनी शॉपिंग कर ली ना बहावलपुर में, आई कैन इवन टेल यू। लेकिन इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बेसिकली ये जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, दैट्स गवर्नमेंट इनिशिएटिव, विच इज़ के जो चीज़ें घरों में बन रही होती हैं ना, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में घरों में बन रही होती है, ख़ासतौर पे औरतें जो बना रही होती हैं अपने हाथों से चीज़ें, उन्हें यहाँ पे कलेक्टिवली लाया जाता है और उसको प्रमोट किया जा रहा है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। और एक्चुअली ये पाकिस्तान की सकाफत है जो आपको यहाँ पर मिलेगी और आपको पूरे पाकिस्तान की सकाफत एक साथ इस शॉप में मिल जाएगी। मैं अभी आगे जाऊँगी, चीज़ें देखूँगी क्योंकि मुझे इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे नजर आ रही है ना, विच आर मेकिंग मी क्रेजी। सो अभी चलते हैं, आपको भी दिखाती हूँ और साथ साथ खुद भी कुछ देखती हूँ। लेट्स डू इट।
शॉप विजिट करते हुए मेरी बड़ी बेहतरीन और स्वीट से कपल से मुलाकात हुई है और आपकी मुलाकात कराती हूँ चूँकि देवर शॉपिंग एंड फाइनिंग आउट सम स्टफ, तो लड़कियों को बड़ा शौक होता है घर की चीज़ें खरीदने के लिए। अभी मैं भी चीज़ें देख रही थी, मैं सोच रही थी अच्छा घर में कैसे लगेगा, तो मुझे लगता है ये लोग भी घर की शॉपिंग के लिए आए हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस अभी तक का कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक चीज़ खरीदना है हमें? व्हाट? असल में मैं जब से, हमें तकरीबन 4-5 साल हुए इधर बहावलपुर में, तो वो घर की, आपने जैसे बिल्कुल ठीक कहा है, औरतों को एक मसला होता है घर की कोई ना कोई चीज़ लेने का, तो मुझे कोई भी अगर डेकोरेटिव चीज चाहिए हो तो मैं यहाँ पे ही आती हूँ। खासतौर पे इनके जो टेबल लैंप्स हैं ये, अच्छा, कैमल स्किन मतलब के जो इनके, स्पेसिफिकली इसी शॉप पे आ रही होती है। यस, मुझे अगर तो किसी खास को वजह, जो मुझे तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया पर्सनली, आई लव्ड इट, मुझे लग रहा था मैं किसी खजाने में घुस गई हूं। व्हाट डू यू फील, मतलब एज अ वुमन आई फेल लाइक, मैंने 5 साल में पूरा बहावलपुर किया है ना विजिट, लेकिन इस शॉप पे जितनी चीजें मुझे एकदम से मिल जाती है किसी को गिफ्ट करने के लिए या इवन अपने घर के लिए, तो वो मुझे पूरे बहावलपुर में और कहीं मिलती नहीं है एक जगह पे। Absolutely right. देखिए कि कितनी वर्सिटैलिटी है कि कभी वो क्लोज पे है तो वो एम्ब्रॉयडरी, वो एक अलग चीज है, लकड़ी का काम है, या ये टेबल लैंप्स वगैरह, किसी भी चीज की बात करें, these are amazing and you guys are amazing as well. मुझे बड़ा मजा आया आप लोगों से बात करके। असल में आप खुद एक वो बड़ी अच्छी जो है ना वो होस्ट है और प्रोग्राम आपका हम दोनों ही बड़े अच्छे शौक से देखते हैं, बल्कि मेरे पेरेंट्स जो है ना उन्होंने मुझे बताया था डिस्कवर पाकिस्तान चैनल का भी और आपके प्रोग्राम का भी, सिर्फ पीटीवी पे लगते थे ऐसे प्रोग्राम। अच्छा। और अब वो दिल को खुशी होती है कि वापस पाकिस्तान का जो असल वाला चेहरा आप लोग दिखा रहे हैं, तो ये इससे बड़ी एफर्ट नहीं है कोई। थैंक यू सो मच, सो सिरोवी बहुत शुक्रिया आप लोगों का एंड आई रियली एंजॉयड। मेरा जो आज का दिन है ना कहले वो बन गया, बिकॉज एक्चुअली एप्रिसिएशन ही होती है जो आपका काम होता है ना, जो अगर आपको इस तरह की अप्रिसिएशन मिल जाती है तो समझ लें कि आप रिलैक्स हो जाते हैं, बिकॉज इट्स नॉट एन ईजी जॉब। लाइक ट्रैवलिंग इज़ अ होल थिंग जिसमें आपका ना आपको दिन का पता होता है ना आपको रात का पता होता है, एंड यू डू नॉट नो वट टू डू, वेयर टू गो, तो सारी चीज़ें स्पॉन्टेनियस होती है। और एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट आई फील लाइक आई एम डूइंग, और जब इस तरह के लोगों से मुलाकात होती है ना तो बस तसल्ली हो जाती है कि हाँ ठीक है, जो हम काम कर रहे हैं ना वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। सो अभी मैं आपको मज़ीद यहाँ पर चीज़ें दिखाऊँगी और मेरे साथ आप भी इंजॉय कीजिए और मैं भी इन चीज़ों को इंजॉय करती हूँ। चुकी हूँ अहमदपुरी गेट पे। अभी मैंने आपको बहावलपुर की बहुत सारी जगह दिखाई है, लेकिन आई एम हेयर राइट नाउ फॉर द शॉपिंग, क्योंकि ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि मैं किसी शहर में आऊँ और उस शहर के बाजार में विजिट किए जाएँ, डेफिनेटली आई एम गोना डू दैट। और इसको स्पेसिफिकली अहमदपुरी गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि बेसिकली दैट इज़ फेसिंग अहमदपुर एट इट्स फ्रंट। इसके अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात की जाए तो इसकी तरफ जो है ना वो अहमदपुर मौजूद है। और इस बाज़ार की एक और ख़ास बात आप लोगों को बताती हूँ कि बेसिकली इसके मुख्तलिफ गेट्स हैं और आप किसी भी एक गेट से एंटर हो ना तो आप आगे जाके किसी और गेट पर निकल चलते हैं। सो अभी अंदर चलते हैं और चल के कुछ शॉपिंग करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं अपनी करूँगी बाइक पार्क, बिकॉज प्रेफरेबली व्हाट यू गाइस शुड डू कि अगर आपने शॉपिंग भी करनी है ना तो बेहतर ये रहता है कि आप पैदल करें। हालांकि बाइक लेके जाना आसान होता है, लेकिन चूंकि शाम का वक्त होना शुरू हो गया और रश बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ होना शुरू हो गया, सो इट्स गुड कि बाइक को किया जाए पार्क और चल के पैदल जो है थोड़ी सी शॉपिंग की जाए। सो लेट्स डू इट।
उमेदपुरी गेट में एंटर होने के बाद जो सबसे ज़्यादा तारीखी जगह यहाँ पे मिलती है दैर इज़ अल सादिक मॉस्क, जिसे आप मेरे पीछे इस वक्त देख भी सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसके हिस्ट्री के हवाले से बताती चलती हूँ। बेसिकली ये जो मस्जिद है तकरीबन 200 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, एंड द फाउंडेशन स्टोन वॉज बींग लेड बाई नूर मोहम्मद बहरवी, और फिर उसके बाद 1935 ने सर सादिक मोहम्मद ख़ान ने इसकी रेनोवेशन कराई, और तब से मस्जिद जो है वो अपनी इसी खूबसूरत सी हालत में मौजूद है। सो मैंने सोचा पहले बाज़ार का विज़िट करने से पहले इसको देखा जाए, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को भी दिखाती चलूँ इस वक्त जो एक यहाँ की वाइब है, दैट इज़ सो ब्यूटिफुल एंड सो काम। शाम का वक्त हो रहा है, सूरज जो है वो गुरूब हो रहा है, परिंदे आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे बड़े पीसफुली उड़ते हुए, और सबसे खूबसूरत चीज़ यहाँ पे जो इस वक्त मुझे लग रही है ना, दैट इज़ एक्चुअली द मून, चांद जो है वो भी बड़ा खूबसूरत यहाँ पे इस वक्त लग रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकूंगी और फिर उसके बाद हम यहाँ से आगे चलेंगे, और चल के आपको मैं मज़ीद जगह दिखाऊँगी। कम टू द अकबर मार्केट, और अगर बहावलपुर की स्पेसिफिकली बात की जाए तो यहाँ का बेसिकली कुंदन जो है वो फेमस है, और उसके लिए मैं इस शॉप में मौजूद हूँ। और ज्वेलरी देख के ना तो मैं वैसे ही कुछ एक्स्ट्रा एक्साइटेड हो जाती हूँ, मुझे नहीं पता लेकिन मुझे लगता है शायद सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं, बस ज्वेलरी देख के ना वो पागल हो जाती हैं। लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, सरगोधा में मैं ज्वेलरी की शॉप में घुस गई थी, मेरा वहाँ से बाहर निकलने को दिल नहीं कर रहा था, और यहाँ पर इतने खूबसूरत डिज़ाइन हैं कि अभी मुझे लगता है यही जो सिचुएशन है ना जो सरगोधा में हुई थी फिर होने वाली है, लेकिन अभी देखते हैं। और चूंकि यहाँ का कुंदन फेमस है तो सबसे पहले कुंदन का कुछ है वो चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। कुछ पहले तो चूंकि कुंदन फेमस है यहाँ का, मुझे पहले थोड़ा क्लेरिफाई कर दीजिएगा, क्योंकि मैं सुना है कि यहाँ का कुंदन फेमस है। कुंदन यहाँ की स्पेशलिटी है, कुंदन बहावलपुर में बनता है, ठीक है, और ये आज से तकरीबन हमें 20 साल हो गए हैं कारोबार करते हुए इस ज्वेलरी का। अच्छा, तब से ये कुंदन की डिमांड में इजाफा हो रहा है, अब तो मजीद इजाफा हो गया कुंदन में। अच्छा, तो फिर मुझे भी कुछ दिखा दें कुंदन का। जी ये देखिए कि कुंदन में इस तरह का झुमका होता है। वाओ, दिस इज सो प्रिटी, कैन यू से इट, बहुत खूबसूरत है। ये बनता है बहावलपुर में, ठीक है, सारा इसमें हैंडमेड काम होता है। शीशा किधर है भाई? शीशा अगर मिरर देना, दिखा दें, पहन के चेक करती हूँ, बहुत खूबसूरत है वैसे। एक अच्छा, इसमें ये डिजाइन होगा, इजाफा हो रहा है। ये दोनों चीजें कुंदन की है, थोड़ी सी हैवी होती है नस्बतन। ये भी कुछ पड़ा हुआ है, इसका भी मुझे थोड़ा सा बताइएगा। ये भी मीनाकारी है, ये भी बनता है बहावलपुर में, ठीक है, इसमें सारा काम हाथ से होता है। ये जो कलर्स हैं इसके, इसको मीना कहते हैं इसको। अच्छा, ये इधर हाथ से भरा जाता है ये ना। दैट इज सो ग्रेट, आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाती जाती हूँ। ये मीनाकारी है और ये कुंदन है, और इसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर्स हैं, इसमें बेसिकली स्टोन्स यूज हुए हैं, एंड दिस इज लाइट वेट एंड दिस इज हैवी वेट एंड दिस इज सो प्रिटी। ये भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन दिस इज वेरी प्रिटी, आई एम गोना बाय। बहुत डिफरेंट आ जाता है इसमें ना। अच्छा, प्राइस में भी डिफरेंस आ जाता है, किस तरह से डिफरेंस? 900 की रेंज में होता है, ठीक है, और ये वाला 2400 की रेंज में, डबल हो जाता है रेट। हां, थोड़ा महंगा है, लेकिन चूंकि यहां की स्पेशलिटी है और बड़ी खूबसूरती से हाथ से बेसिकली बनाया जाता है, सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। कुछ और मुझे कुंदन में दिखाएगा, मैं साथ में चेक भी। इसमें एक ये नेकलेस होता है, नेकलेस को चोकर कहते हैं इसको। दिस इज सो प्रिटी, मैं पहले ये चेक कर लूं। मैंने एक्चुअली पहले ही अपने जो पहने हुए ना ट्रैवलिंग वाले, हम जैसे ना पुट देम
ऑफ इसमें ये सराइकी झुमका कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? सराइकी झुमका। सराइकी झुमका स्पेसिफिकली। अच्छा ये बहावलपुर का कल्चर है इसका ना, सराइकी झुमका। ठीक है, ये बहावलपुर का कल्चर है एंड इट्स डिफरेंट। सो अभी जो है इनकी मैं थोड़ी सी प्राइस पूछती हूँ। आई जस्ट एम होपिंग कि मुझे थोड़ा सस्ता दे दें भाई। ये वैसे इन्होंने 2400 का है, इसका रीजनेबल थोड़ा बताएं क्योंकि मुझे सबसे अच्छा यही लगा है। ये आपको 17 का मिल जाएगा। ना करें, 17 में दे दूंगा आपको इसको, 1300 में कर दें। ये 17 में मिल जाएगा आपको, मैंने मुनासिब बता दिया। अच्छा ले 14 कर ले, 14 कर ले, 2400 का था, 1400 इज क्वाइट गुड। 15 दे दें बस। 14 ठीक है भाई, देखे मैं इतनी दूर से आई हूँ। 15 दे दे, मैं बहुत दूर से आई हूँ, पता है मैं सही में मैं बहुत दूर से आई हूँ। आप ले लें, चले गेस्ट ले लें आप। थैंक यू। वैसे जनरल बताऊँ ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन अब मुझे जो भी जिस रेट में मिले ना, दैट इज वेरी रीजनेबल। आई एम गोना बाय देम और मुझे अच्छे ये भी लग रहे हैं, लेकिन सारे चूंकि एक ही स्टाइल में है तो सारे के सारे मैं नहीं लूँगी, कुछ और वेराइटी देख लेंगे। ये बेसिकली जो चीज़ें ना, दीज आर सम काइंड ऑफ लाइक इन टीक ओवर देयर एज वेल, मुझे अच्छा लग रहा है भाई। ये वाला दिखाइएगा कौन सा? एक और चीज़ चेक कर लेते हैं। ये इसकी मुझे प्राइस बताइएगा। इजंट इट ब्यूटीफुल? नहीं क्या है इसकी प्राइस? ये 700 में मिलेगा आपको। ना करें, नहीं ये महंगे पे आ गए आप। नहीं नहीं ये होती है ट्रेडिशनल ज्वेलरी। नहीं नहीं नहीं, मैं चली थी ना, ये वो है इसलिए इसके रेट एक्सपेंसिव है। का नाम लगा के इसको बेचे नहीं, इतना महंगा नहीं मिला इसके। देखिए ये होती है 1 कैरेट, ठीक है, जो गोल्ड के बाद आते हैं। अच्छा ये 1 कैरेट कहते हैं इसको, ठीक है, दैट इज 1 कैरेट। ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, 6,000-7,000, ठीक है। गोल्ड प्योर गोल्ड बेसिकली आई गेस 22 कैरेट का होता है, 21 कैरेट का होता है ओरिजिनल, ये 24 कैरेट में, ठीक है, और ये 1 कैरेट का है। जो मुझे यहाँ की जो स्पेसिफिक कुंदन पसंद है ना, बस आई एम गोना बाय इट एंड आई गॉट इन 1400। सो वी गोना गो नेक्स्ट यहाँ से और आगे जाके देखते हैं कि क्या चीजें हैं, तब तक मैं ये खरीद लूं। कस्टमर आते हैं बहुत दूर-दूर से। अच्छा। कस्टमर आते हैं मुल्तान से, इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से, लाहौर से। बहावलपुर और चोलिस्तान की एक और चीज़ जो कि मशहूर है, दैट इज चुनरी। इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हैं कि जिसकी वजह से बहावलपुर और चोलिस्तान मशहूर है। मैं इस वक्त चुनरी की शॉप पे मौजूद हूँ और यहाँ पे इतने खूबसूरत प्रिंट्स हैं, इतने खूबसूरत डिज़ाइन और कलर्स हैं, दैट आई फील लाइक आई एम गोना बाय देम ऑल, लेकिन डेफिनेटली आई कुडंट डू इट। अच्छा जिस शॉप पे मैं अभी मौजूद हूँ ना, बेसिकली चूंकि मैं बाजार जब विजिट करी थी ना, तो मैं पूछ रही थी कि चुनरी की शॉप्स किधर है, मुझे इस शॉप का स्पेसिफिकली बताया गया। ये शॉप ज़्यादा इसलिए फेमस है बिकॉज इनको कोई अवार्ड मिल चुका है और इनके जो बेसिकली कह लें कि प्रिंट्स होते हैं, डिज़ाइन होते हैं ना, दे आर वेरी वेरी गुड और ये बेसिकली आपको सही मुनासिब रेट्स में भी दे रहे होते हैं और बेसिकली इनके जो कलर्स होते हैं देयर आर लाइक पक्के रंग जिनको कहते हैं ना, फास्ट कलर भी और कच्चे भी, वो फिर आपको बता ठीक है। वो अच्छी इनकी चीज ये है कि आपको कच्चे रंग का भी बताते हैं, पक्के रंग का भी बताते हैं, तो हम इनसे पहले कच्चे और पक्के रंग का ही पूछ रहे थे। अच्छा मैं आपको जो मैं बता रहा था ना कि इसमें फास्ट कलर और कच्चे कलर पक्के रंग इसमें होते हैं इस्तेमाल, अच्छा ठीक है ना। अब बेसिकली जैसे ये रेड है ना, ये हमारा फास्ट कलर है, इसी में एक रेड बनता है जो इसमें कच्चा रंग होता है। अच्छा वो बेसिकली अपने रंग अपनी नौयत पे खुद बता देगा कि ये रंग कच्चा है या पक्का है। अच्छा बाकी वैसे हम खुद कोशिश करते हैं कि आपको बता के दें कि ये रंग कच्चा है या पक्का है। अच्छा ना नॉर्मली लोगों को पहचान नहीं होती कच्चे और पक्के रंग की, लेकिन इनकी अच्छी चीज ये कि लोग खुद बता देते हैं। जैसे अगर मैं आऊंगी तो मुझे तो नहीं पता चलेगा ना कि लाल कौन सा लग रहा है। This is good thing about them. अच्छा मुझे अब यहाँ पे ना बहुत मुख्तलिफ से नजर आ रहे सारे। ये देखें ये मैरून कलर है ना, अब ये पक्का रंग है। अच्छा ठीक है ये मुनासिब कीमत में भी है और फास्ट कलर में। और एक ये है, अब ये देखें ये मैरून रंग कच्चा है, इसमें पक्का रंग नहीं है।
अब देखें, मुझे तो नहीं वैसे फर्क पता चला। काम भी बारीक हो वो सारा कुछ है, ठीक है, लेकिन इसमें जो कलर उन्होंने इस्तेमाल किया है वो कच्चे रंग में है। ठीक है, अब आप हिसाब लगा लें कि इतना खूबसूरत दुपट्टा जिसपे डिजाइनिंग इतनी प्यारी हुई है बारीक बारीक से, लेकिन इसका मसला क्या है कि ये कच्चा रंग है। हम बता के देंगे आपको, लें या ना लें। ये देखें, एक ये इसमें हमने ना ग्रीन डॉट्स में बनाया है, ठीक है, अब वो कलर भी, ये कलर भी अलग से, ठीक है, ये दुपट्टा नहीं नहीं ये कलर यही अच्छा है, मुझे इसका फाइनल रेट बता दें। इसमें कलर्स और भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, ये अच्छा कलर है, इसको आप पसंद करें, मुनासिब कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। बताएं तो आप बताएं, कितना बताएंगे तो तब ना आपको 28 कर देंगे, ले लें। आपने इसे कम के 2000 कर दें, 3000 का शर्ट दुपट्टा है, हां तो 2000 कर देना। कैटेगरी चेंज कर दूं अभी? नहीं नहीं, कैटेगरी नहीं चेंज कर दें, इसी में चाहिए। हम साफ आपको कहेंगे कि देखें कैटेगरी, देखें देखें मैं लेंगे ना वो इसी कैटेगरी में। इसके इतनी दूर से आई हूं, आज तो मैं शॉप पे जाके देखिए, रेट के मामले में हमारा जो मुनासिब कीमत होती है ना, जितना मुनासिब हो सकता है वो करते हैं, लेकिन इतना मार्जिन नहीं रखते। सही बात है, मैं बहुत दूर से आई हूं, आप थोड़ा सा ड्राइव करें। कपड़े की क्वालिटी, कैटेगरी आप देख लें, उसके बाद आप जो कहें वो मुझे समझ आई। आपको पता है मैं इसी वजह से शॉप आई, क्योंकि मुझे सबने बताया इसी शॉप का। हमने एक चीज सीखी हमारे उस्तादों से, उन्होंने कहा था बेटा सब कुछ करना गलत, बयानी करके अपनी आग बंद कर। आज चले, मुझे बताएं फिर आप कितना देंगे इसका मैक्सिमम? आपको मिनिमम लास्ट एक ही बात कर दूं, ये आपको फाइनल आपके लिए कर रहे हैं कि ये आपको 25 में मिल जाएगा। इसका न्यू प्राइस अभी अलग से है। चले ठीक है, ठीक है, बेहतरीन है और बहुत ज्यादा भी एक्सपेंसिव नहीं है। दिस इज सुपर सुपर ब्यूटीफुल। अच्छी बात ये है कि बेसिकली ये प्योर पे है ना, पाकिस्तानी प्योर पे ये भी क्लियर है। और ये चाइना प्योर की कैटेगरी के मुकाबले में नया कपड़ा तैयार हुआ है। दैट इज ग्रेट। इसमें एक और होती है जिसे लेडोना, मैंने आपको ये दुपट्टा दिखाया, अब इसका आप स्टफ चेक कर सकते हैं। ये थोड़ा सा होता है, हाँ, थोड़ा सा हार्ड है, एंड दिस इज सॉफ्ट कपड़े में। बस ठीक है, डन करें से। मैंने तो ये खरीद लिया, बहुत खूबसूरत है, दैट्स इन पाकिस्तानी प्योर, बड़ा खूबसूरत सा कलर और डिजाइन भी है। और अभी देखती हूँ अगर मुझे कुछ और चीज बता जाती है, अदरवाइज आई एम गोना गो समवेयर एल्स एंड गोना शो यू दैट। बाजार में चलते चलते आई स्टार्टेड हैव क्रेविंग्स, क्योंकि आपको प्रॉपरली बाजार में चल के जाना पड़ा था एक शॉप से दूसरी शॉप पे। सो मुझे एक मीठे की शॉप नजर आई है, जहाँ पे मुझे सोन हलवा भी नजर आ रहा है। ये खोया ना अंकल जी से? हाँ जी, कहते हैं हाँ जी, खोया भी है और बर्फी भी पड़ी हुई है। अंकल जी मुझे ना सोन हलवा टेस्ट करा दे। वैसे तो मैंने अभी तक सुना हुआ है कि मुझे ये टेस्ट करा दें अंकल जी। बिल्कुल बिल्कुल टेस्ट करें जी। वैसे मैंने अभी तक सुना हुआ है कि मुल्तान का सोन हलवा फेमस है। मुल्तान का सोन हलवा भी अच्छा होता है, ये अच्छा। हमारा जो है बहुत अच्छा है, है ना। देखिए भावलपुर में भी आपको सोन हलवा जो है वो मिल रहा होता है। दिस इज नाइस, इट्स गुड। तो अंकल जी वैसे मुझे आपकी शॉप काफी पुरानी लग रही है। पुरानी है ये? कब से आप कर रहे हैं काम? मुझे तो 30 साल हो गए इस शॉप, 120 साल से भी ज्यादा हो गए। अच्छा, इनको 30 साल हो गए और ये शॉप 120? जी जी 120 साल पुरानी है। वाह वाह वाह, फिर तो मेरे आप तो बाबा बैठे रह गए, फिर दादा बैठे रह गए। इसका मतलब नवाबों के दौर से आपकी शॉप? नवाबों के दौर से है। क्या बात है, तो पाकिस्तान से पहले एक ही है। लेकिन ये कि आपका सोन हलवा ना बड़ा मजे का है। ये भी अच्छी है, ये भी। मुझे इसकी प्राइस बताएं, क्या है सोन हलवा, किस तरह से देते हैं? सोन हलवा 800 रुपए किलो देते हैं। 800 रुपए किलो है भाई, क्वाइट गुड। इसको मैं पैक करा के ना घर लेके जाऊंगी, घर जाके टेस्ट करूंगी मजीद, क्योंकि अभी तो मेरी जितनी क्रेविंग थी वो हो गई पूरी। आगे चलते हैं और चल के कुछ और देखें। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आप एक बाजार से एक गेट से एंटर होते हैं, घूमते घुमाते आप किसी पहुंच जाते हैं दूसरे गेट पे। मेरे साथ भी ऐसे हुए। मैं बेसिकली अहमदपुरी गेट से पहुंच चुकी हूँ फरीद गेट पे, और यहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी फूड स्ट्रीट है।
ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई स्पेसिफिक ना बहुत कोई मेला सा लगा हो और ऊपर इतनी सारी लाइटिंग हुई है ना, बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। सो अभी व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना ईट द फूड, क्योंकि अभी मुझे लग रही है भूख और बड़ा मज़ा भी आ रहा है। एम्बियंस इज क्वाइट गुड, ऐसे लग रहा है जैसे आई एम इन सम काइंड ऑफ अ प्लेस जो कि बड़ी एक वो नहीं होती जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें भी मिल रही होती हैं और बड़ा एक मेले से सामान होता है। सो अभी वो वाली सिचुएशन हुई है, ठंड भी थोड़ी सी बढ़ गई है। सो अभी मैं कहीं पर बैठूंगी, खाना खाऊंगी और उसके बाद फिर वहाँ जाके आपसे बात करूंगी। मैंने तो खोल लिया यहाँ पे ढाबा, आप देख भी सकते हैं ऑयलिंग मैं बड़ी अच्छी कर रही हूँ और कुकिंग तो मुझे वैसे बड़ी अच्छी आती है। सो आई गॉट अ चांस टू बी हेयर एंड टू कुक इट, तो मैंने कहा इस मौके को गवाना नहीं चाहिए। इसकी जो प्राइस है दैट इज 230। अगर अब आप भावलपुर में आएंगे तो आपको मेरे हाथ का ये भी बना हुआ मिलेगा। सो यू गाइस गुड ट्राई दिस एज वेल। खैर कमिंग टू द पॉइंट, मैं अभी इनको थोड़ा सा पकाऊंगी, साथ बनाऊंगी और फिर खाऊंगी। ओ माई गॉड, अभी मुझे याद आया मैं अपनी जो बाइक है ना वो वहीं पे भूल आई हूँ, अहमदपुरी गेट पे हम लोग आए थे ना वहीं भूल गई हूँ। सो अभी मैं फिर करूँगी क्या, अभी इनको खाने के बाद आई एम गोना गो बैक टू द सेम प्लेस, वहाँ जाके बाइक लूँगी एंड देन आई एम गोना गो बैक टू द होम। और चूँकि इट्स टाइम टू ईट फूड नाउ, आप लोग भी बैठें इस पूरे प्रोग्राम को इन्जॉय करें, खाना शाना खाएँ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। धुआँ बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। Take care of yourself, keep watching Discover Pakistan, plus keep watching Discovery Ride with Raf Aslam.